أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله العظيم أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے مسافر و روش کارواں بدل ڈالو مسافر و روش کارواں بدل ڈالو اور ڈاکٹر اقبال ہی نے یہ کہا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محترم سامعین کرام آپ حضرات کے سامنے میں بھی کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں قاری صاحب کا اصرار ہے ورنہ آج ہمارے جوان سال علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد منبر نور پر بھی موجود ہے سب سے پہلے میرے عزیز حضرت مولانا قاری محمد اکرم صاحب عثمانی اور ان کے بعد عزیز محترم حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب صاحب مصباحی شیرانی آباد کا ایک شاندار اور ایک انقلابی بیان ہوا جو قوم مسلم کو صحیح معنوں میں جگانے والا بیان اور پھر میرے بعد عزیز محترم ایک انقلابی خطیب فصیح اللسان حضرت مولانا بالفضل اولانا محمد اسلم ربانی صاحب مکرانہ سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ ان کا آپ بیان سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے میرے عزیز مفتی محمد خالد ایوب صاحب نے جو آلات کے پیش نظر جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں میں بالکل ان سے متفق ہوں کہ آج المیہ ہے کہ ہماری قوم اس بزرگوں کی روش کو چھوڑ کر اور اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے اسلاف کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ورنہ اگر آج ہم اپنے اسلاف کی روش پر رہتے تو ایمان کی حرارت ہمارے سینوں میں محفوظ رہتی ہے اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے ہمارا اگر قلب گرما جائے اور روح تڑپ اٹھے تو پھر آج جو دن ہے ایسے دن نہیں ہوتے
हमारे दिन और ही कुछ होते। क्या बात है कि हम बहुत कम थे लेकिन दुनिया में हम कामयाब थे। हमारी सुबह कामयाब थी, हमारी शाम कामयाबी से गुजर रही थी और हमारी शौहरत, हमारी जवां मर्दी, हमारी शुजात का डंका चार दांगे आलम में बज रहा था। वो फाका कश लोग जिनके दिलों में ईमान मोजे मार रहा था, जहां भी वो गए निजामे मुस्तफा लेकर गए और पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। बेसरो सामानी के आलम में गए लेकिन रूहानी ताकत बहुत मजबूत थी। सुल्तान उल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए खाजगान की तारीख को आप पढ़ लीजिए, क्या गरीब नवाज के साथ लश्कर और सिफा साथ में थे या कोई मादी ताकत थी या कोई वो सुपर ताकत के मालिक थे या उनके पास बहुत ज्यादा फौज थी? अरे नहीं, उनके साथ में तस्बीह थी, कुरान पाक था, मुसल्ला था और चंद खुद्दाम थे, लेकिन रूहानी ताकत ऐसी मजबूत थी जिस पर निगाह डालते उसके दिल की दुनिया बदल देते थे। इसलिए कहा निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और जहां बैठते थे उस जमीन का नक्शा बदल देते थे। जब जाकर मौर्रिख को लिखना पड़ा कि लाखों लाख लोग दामने इस्लाम में आए, यह गरीब नवाज की शान थी। और जब बगदाद में इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम कमजोर हो रहा था और इस्लाम बहुत कमजोर हो गया था, मेरे रसूल का शहजादा गीलान से चलकर सरजमीन बगदाद पे पहुंचा कि बगदाद में इस्लाम इनकलाब बर्पा कर दिया और इस्लाम को ऐसी तवानी और ताबानी अता फरमाई, उनका लकब मुहिद्दीन हो गया कि गौसे आजम ने अपनी तबलीग, अपने वाज़ नसीहत, अपने इरशादात ने इस्लाम को फिर जिंदा कर दिया। ये हमारे बुजुर्गों की शान थी, यह उनका तुर्रा इम्तियाज था, लेकिन आज वो कुछ नजर नहीं आता। इसलिए डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा, कुम बेइज़्न अल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खान का हूं मैं मुजावर रह गया गौर कर। इकबाल बड़े पते की बात कहता था, वो बहुत दानिश्वर था, अपनी कौम का उसे बड़ा दर्द था, अपनी कौम की उसे बहुत फिक्र थी, अपने जवानों की आवारगी को देखकर कहता था, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशोरे हैं आसमानों में। ये हमारे हालात को देखकर डॉक्टर इकबाल बार बार हमें तंबी करता था, अब भी समझ जाओ, मैंने जो देखा अगर वो तुम देखोगे तो रोगे, मैंने जो हालात देखे हैं यूरोप के अगर तुम देख लोगे तुम इसकी ताकत नहीं रखोगे। तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत जगाया लेकिन हमारी कौम जागने का नाम नहीं ले रही और आज भी नहीं जाग रही है। हालात में दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा, लेकिन किसी ने क्या कहा है, जिस कौम का एहसास खत्म हो जाता है फिर उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। जिसे अपने सूद और जिया का एहसास नहीं, जो कौम इतनी बेहिस हो चुकी हो जिसे अपने नफा और नुकसान का भी एहसास नहीं, तो फिर उसे कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। अपने नफा और नुकसान का जिस दिन हमें एहसास हो जाएगा उस दिन इंशाअल्लाह रहमान खुद हम फैसला करेंगे और खुद दुनिया में फाते बनकर उठेंगे। हम देखेंगे फायदा इसमें है, नुकसान इसमें है, अभी तो हमारी ऐसी सोच ही खत्म हो गई है, नहीं देखते फायदा किसमें है नुकसान किसमें है। मेरे भाइयों, ऐसे खिताबात, ऐसे इनकलाबी खिताबात हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन क्या करें, कौम जगती नहीं है। कौम को नमाज के लिए कहते हैं, कौम मस्जिद में नहीं आती तो ये कौम मैदान अमल में कैसे उतरेगी? एक नमाज उस पर फर्ज है जो उसकी कामयाबी का दारोमदार है। और मुसलमानों की आज जिंदगी देख रहे हैं, क्या मुसलमान को ये कहा जाता नमाज के लिए आओ? क्या वो दौर आपने नहीं सुना जिसके बारे में जब अजान होती थी लोग अपने घरों में तेजी के साथ मस्जिदों की तरफ बढ़ते थे, जब जाके उन्हें दुनिया में कामयाबी हासिल हुई? आज अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक कमजोर हो गया। सबसे बड़ी वजह ये हुई कि आज हम पीरों के नारे बहुत लगाते हैं, नारे लगाने कम नहीं लेकिन अल्लाह
उसके रसूल थे, जब से हमारा ताल्लुक कमजोर हुआ है, जब से ये आज दिन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से जब ताल्लुक मजबूत था, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक मजबूत था, ये मेरी कौम कामयाब थी। आज मस्जिद में आओगे तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह का नाम रटोगे, जिक्र करोगे, जिक्र फिक्र में लगे रहोगे तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, और जब अल्लाह से ताल्लुक होगा तो अल्लाह की तरफ से गैब से फिजल मदद आएगी। आपने देखा नहीं ये इस्लाम बार बार दबाया गया, फिर ये इस्लाम उठा, जितना दबाओगे उतना उभरेगा, फिर लोग पैदा हुए जयाले। तो मेरे भाइयों थोड़ी एहसास करने की चीज है अल्लाह के वास्ते। अब बार बार खतीब इमाम साहब कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के बेचारे परेशान हो गए, हर जुमा की तकरीर में कहते हैं नमाज में नहीं आते, नमाज में कितने अफसोस की बात है। क्या मछली बगैर पानी के जिंदा रह सकती है? हरगिज नहीं। इस तरह मोमिन अल्लाह के जिक्र के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। अरे ये तो मोमिन की गिजा है, मोमिन की जिंदगी अल्लाह का जिक्र है, मोमिन की रूहानी जिंदगी है जो अल्लाह की याद है। और जब रूहानी जिंदगी खत्म हो गई तो हमारा दिल भी मुर्दा हो गया। इसलिए मेरे भाइयों ताइबा मस्जिद सुभान अल्लाह, देखो फलक शिगाब सुभान अल्लाह, देखो इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न जमाल, इसका नक्शो निगार। अल्लाह का घर शायन शान तरीके से बनना चाहिए। लोग आलीशान बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, और इस दौर में देखो माज अल्लाह परिस्ताने माबूदाने बातिल जो कितना अपने सनम खाने में खर्च करते हैं। तो इस दौर की जरूरत है। पहले मस्जिदें सादा थी, खजूर की छत होती थी और सतून यही हमारे समझो बावली नीवड़े इनके सतून होते थे। खजूर के सतून ऊपर उसे मस्जिद को खड़ा किया जाता, बहुत सादा मस्जिद होती थी। जब बारिश आती थी लोग सजदा करते थे तो पेशानी ऊपर बारिश के आसार उनकी पेशानी से नजर आते थे। बहुत सादी थी लेकिन ईमान बहुत कवि था। और आज हालात ऐसे बन गए, इसलिए आलीशान मस्जिदों की जरूरत है ताकि लोगों का दिल उनकी तरफ माइल हो, लोगों को पुरसकून माहौल में इबादत कर सकें। पहले की जरूरत और थी लेकिन हालात की जरूरत और है। इसलिए मेरे भाइयों मस्जिद तायबा पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी ढाणी के लोग मुबारकबादी के काबिल हैं कि अल्लाह का घर इस तौर पर शानदार बनाकर उन्होंने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया है। अब मस्जिद बना डाली है लेकिन अब सजदों से आबाद करना है। हमारे खास तौर पर हमारे जवानों से मैं कहूंगा और इमाम साहब से मैंने कह दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी मुसलसल कोशिश, अपनी मुसलसल जिद्दोजहद से इस मस्जिद को आबाद कर देंगे। मैं समझूंगा वाकई आपने इमामत का हक अदा किया, क्योंकि आपकी मेहनत ही से अब इनकलाब आएगा और आपकी मेहनत ही से इंशाल्लाह बहुत सी जगह देखा हमने। पूरे राजस्थान के दौरे करते हैं, कहीं कहीं ऐसा जयाला इमाम मिल जाता है जिन बस्तियों में कभी नमाजियों के लाले पड़ते थे, लेकिन एक मुबल्लिग, एक नेक सिफत, एक मेहनती मुतरस पहुंच गया। चंद माह में अल्हम्दुलिल्लाह उसने बस्ती का ऐसा नक्शा बदला कि बस्ती में कोई बेनमाजी नहीं रहने दिया। मेहनत होती है और अल्लाह किसी की कोशिश मेहनत को जाया नहीं करता। आदमी मेहनत करे जरूर उसका फल मिलता है। तो हमारे आईमा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इनकी मेहनत है कि आपको नमाज की दावत दें, इनफरादी तौर पर आपको नमाज का कहें, बाद नमाज ईशा शबीना मदरसा कायम करके आपको दीन की बातें सिखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नगीना मस्जिद में जहाँ का मैं इमाम हूँ, मुझे तो बाहर दोरू से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आदमी हमने इंतखाब कर दिया कि वो हमेशा 40-50 नौजवानों को लेकर सूरतों की मशक कराते हैं और सेहत अल्फाजी के साथ कुरान पढ़ाते हैं, अमली तौर पर नमाज सिखाते हैं। इस तरह एक सिलसिला जारी है और सारी है। और हमारे नायब इमाम भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना बाद नमाज असर बयान करते हैं, 5 मिनट का, बहुत जरूरी मसाइल बताते हैं, पूरी मस्जिद के लोग बैठ जाते हैं, कोई भी नहीं जाता है। लोगों को दीन का शौक है, दीनी बातें सीखने का जोक और शौक है। आप में भी ये जोक और शौक पैदा होना चाहिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में दीनदारी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन और थोड़ा इसमें इजाफा होना चाहिए और अपनी सफों में इत्याद पैदा करो, मिलजुल कर रहो, और मिलजुल कर रहोगे तो इंशाल्लाह बरकत होगी, क्योंकि मिलजुल कर रहने में बरकत है, मिलजुल कर रहने में खैर है, मिलजुल कर रहने में मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों की जिंदगी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज की इस महफिल में आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और दूसरी बात कहता हूं, देखो अल्लाह का घर तैयार हो गया है, खुदा के घर पर अभी 9-10 लाख का कर्ज है, कर्ज हसना लेकर कुछ बिल अदा किए हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिस तरह आप अपने घर पर अगर किसी पर करो, जो एक भाई पर दूसरे भाई का कितनी फिक्र रहती है कि मैं अपने भाई की मदद करूं, अब अल्लाह के घर पर कर्ज है, ये सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कोई अल्लाह का बंदा इस तरह, मैं समझता हूँ खुफिया तौर पर मदद करके जो कर्ज आसाना लिया गया है उसको अदा करने की कोशिश करे, और इंशाल्लाह देखो मेरे आका रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चाहे पूरी मस्जिद बनाए या मस्जिद में कुछ हिस्सा ले, अल्लाह सुबहानहु व तआला उसकी जजा कयामत के दिन उसे जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बन अल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना, यहाँ तक के चिड़िया के घोंसले के बराबर भी अगर किसी ने मस्जिद बना दी, हालांकि इतनी छोटी मस्जिद नहीं होती है, लेकिन को एक ईंट के बराबर, दो ईंट के बराबर मस्जिद का ताउन करे तो इंशाल्लाह उसे भी ये सवाब मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप इस चीज को याद रखना, आपको फिक्र करनी है कि मस्जिद पर कर्ज है मैं अदा करूंगा, जो मेरी हैसियत है इंशाल्लाह मैं अदा करने की कोशिश करूंगा। तो आप ये जहन लेकर जाएं कि हमें बहुत जल्द मस्जिद पर जो कर्ज अदा करना है, ये जो ट्रस्टी जो मेम्बरान ने किया है, ये इनका कोई घर नहीं बना है, इन्होंने अल्लाह का घर बनाया है, अब आप सब मिलकर अल्लाह के घर की खिदमत करेंगे, अल्लाह के घर का ताउन करेंगे, अगर तुम अल्लाह के घर की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस कर्ज को अदा करना है, और अगर है कोई मजलिस में अल्लाह का बंदा, अगर कोई ऐलान कर दे इंशाल्लाह मैं इस मस्जिद में इतना दूंगा, मेरी तरफ से ये होगा, तो सुभान अल्लाह मजलिस बड़ी नेक है, अल्लाह के बंदु को आप गवाह बना लो, अल्लाह के बंदु को गवाह बना लो कि आज इस अल्लाह के मुकद्दस घर में हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझ कर, हम अपने तौर पर अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अपनी आखिरत के लिए हम मस्जिद का ताउन करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने इस मुबारक मजलिस में अपने भाइयों को गवाह बना लिया और अल्लाह तबारक व ताला से बहुत बड़ा इनाम और इकराम हासिल कर लिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप है कोई अल्लाह का बंदा, ज्यादा चंदा का मुझे ऐलान नहीं करना है, लेकिन आप में से जब जो कहा हमारे इन जिम्मेदारों से आप जरूर मिलें, क्योंकि आज चंदा नहीं कर रहे, इंशाल्लाह हम भी फिक्र रखेंगे, हम भी इंशाल्लाह अदा करने के लिए पूरा इनका ताउन करेंगे, आप सब मिल करेंगे, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए मस्जिद आलीशान है, आदमी देखता तो तबीयत खुश होती है, नमाज पढ़ता तभी, हमारे बासनी के लोग आए थे कि ये तायबा मस्जिद ये नातू नगर में बनी है या कई बार दूसरे मुल्क में बनी है, माशाल्लाह देखकर इतनी तबीयत खुश हुई कि ये तो यूरोपीय ममालिक में ऐसी मस्जिदें नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखता है दिल बाग बाग होता है। तो दुआएं आप लोगों को मिलती हैं कि अल्लाह के बंदे ने जिसने इसका ताउन किया है इंशाअल्लाह ताला उसकी कब्र तो रोशन है ही, सुभान अल्लाह। इसलिए ये अल्लाह का घर है, सुभान अल्लाह। दावत नजारा दे रहा है तो आप फिक्र लेकर जाएंगे, कारी अहमद अली साहब से मैं फोन करूंगा, कितने लोगों ने आपका ताउन किया, कैसा ताउन हो रहा है, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। बहरहाल मेरे अजीज मौलाना असलम रब्बानी हैं, मैं आप लोगों को मुबारक, मैं तो आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूँ, कोई ऐसा जलसा नहीं है जो मेरी गैर हाजिरी रहती है, शादी के मौके पर जश्न वगैरह आता रहता हूँ। कारी साहब ने कहा आप दुआया कलेमात को जार कर दो, बहरहाल मेरी आप लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह सुबहान व ताला आप लोगों को आबाद और शाद रखे, आप लोगों की जो दीनी फिक्र है कि माशाल्लाह इन छोटे छोटे गांव में अल्लाह के शानदार घर बन रहे हैं, आप लोगों के सर इसका सेहरा जाता है कि लोगों में वाकई अभी दीन जिंदा है, अभी लोगों में दीनदारी का जज्बा है, अभी दिल में ईमान की हरारत तेज है। इसलिए देखो माशाल्लाह शेख नगर में कितनी शानदार जामे मस्जिद बनी है, कोई इस्लामी किला नजर आता है,
ये दानिम अल्हम्दुलिल्लाह ये 15-20 साल में जो इन ओलोमा की वजह से ये मकामी ओलोमा ये जवान ओलोमा मौलाना कारी अहमद अली साहब मौलाना बरकत साहब मौलाना अहमद साहब मौलाना बरकत अजीजुल कदर और मौलाना और भी जितने भी मेरे अजीज ओलोमा साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी कारी नूर मोहम्मद साहब वगैरह जो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके कौम का दर्द है अल्हम्दुलिल्लाह कौम की ने फिक्र है कौम के लिए कोशिश कर रहे हैं आप अपने उलमा का साथ दीजिए इंशाल्लाह दीन का और काम होगा और मिलजुल कर आप दीन का काम कीजिए इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। हम सब अहले सुन्नत वल जमात हैं ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है पूरी दुनिया में ऐसे मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं आज मुसलमान लड़ेंगे आज आपस में लड़ेंगे कमजोर नहीं मरने के करीब हैं तो फिर मरने से कोई बचा नहीं सकता इसलिए अल्लाह के वास्ते खुद लड़कर ना मरे अगर दुश्मनों की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो एहसास होता है अगर अपने लोग आपस में झगड़ा फसाद अपने लोग इख्तलाफ करते हैं ये अच्छा नहीं लगता है। आज अहले सुन्नत वल जमात में भी ये बीमारी लग गई है कोई कहता मैं पक्का सुन्नी हूँ मैं मुतसल्लिब हूँ वो पिलपला है तो इस तरह के कह रहे मैं ये समझने ये हालात को समझ ही नहीं रहे इनका ज़हन और फिक्र इतना छोटा हो गया है ये हालात की नज़ाकतों को नहीं समझ रहे ये बढ़ने वाले तूफानों को देख नहीं रहे इसलिए कौम मुस्लिम इंतजार पैदा करे अरे ये कौम खुद कमजोर है इसे अल्लाह का नाम सिखाओ इसे दीन सिखाओ इसे कलमा नमाज रोजा सिखाओ इसे कुरान की मश्क कराओ अच्छा कुरान पढ़ना सिखाओ ये सिखाओ पीरू के नाम पे लड़ाते हो मसलक के नाम पे लड़ाते हो मशरब के नाम पे लड़ाते हो बहुत अफसोस की बात है अल्लाह के वास्ते इस कौम पर रहम करो हालात बहुत नाजुक हैं बहुत हालात नाजुक हैं बड़े बड़े फलसफियों ने बड़े बड़े उलमा ने इसके बारे में हमें बहुत आगाह कर दिया है मिलजुल कर रहने में हमारी खैरियत है इसी में हमारी आफियत है अल्लाह जो कुछ बोलने में आमदन सावन खता हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए और अल्लाह सुबहानहु व तआला आप सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए अल्लाह करे इस तरह हम मिलजुल कर हमेशा बैठ कर दीन की बातें सुनते रहें दीन का पैगाम सुनते रहें दीन की बातें सुनकर अपनी इसलाह करते रहें। अहले सुन्नत वल जमात सब एक हैं अहले सुन्नत वल जमात एक दीवार की तरह है अहले सुन्नत वल जमात में दरार मत डालो अहले सुन्नत वल जमात को कमजोर मत करो वैसे ही अमली तौर पर कमजोर हैं हमारी तरफ काम में कुछ कमी आए जिसकी वजह से हम कमजोर हैं इसलिए अल्लाह के वास्ते इसे मिलजुल कर गौसे आजम ने कहा था नहीं आओ मिलकर चांद तू भी आ जा सूरज तू भी आ जा आए अल्लाह के बंदे सब आ जाओ हम सब मिलकर अल्लाह के दीन का काम करें तो गौसे आजम की सुन्नत को जिंदा करो गौसे आजम ने कहा था सूरज चांद ये गौसे आजम ने बहुत इस्लामी जज्बात में अपने जज्बात का इजहार किया था आए चांद तू भी आ जा आए अल्लाह की मखलूक सब आ जाओ हम मिलकर अल्लाह के दीन का काम करें तो मिलकर अल्लाह के दीन का काम करोगे मैं अकेला करूंगा तुम इधर करोगे इधर करोगे लोग कहेंगे किधर जाएं ये सही है वो सही है लोग इसी कश्मकश में उलझ जाएंगे अब किसको सही मानो है इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो इस कौम के साथ खिलवाड़ मत करो ये कौम बहुत भाली है बहुत भोली भाली है इसको सिखाओ दीन का नाम अहले सुन्नत वल जमात का जो भी आलिम है उसका एहतराम करो हर आलिम का एहतराम करो हर दीन के मुबल्लिग का एहतराम करो हर दीन के मुबल्लिग की कदर करो जो दीन का इस दौर में काम कर रहा है मैं उसे मुजाहिद समझता हूँ। देखो हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के ये कारोबार करते हैं लेकिन अल्लाह के दीन के लिए रातों रात जाते हैं कहीं मदरसा खोलते हैं कहीं मस्जिद बनाते हैं जिस तरह मैं पीपाड़ में आता हूँ नहीं इस तरह पाली भी जाता रहता हूँ पाली के दूसरे गाँव में कल नहीं परसों फिर पाली में एक मस्जिद का संगे बुनियाद है हाजी यासिन साहब ने परसों फोन कर दिया तो मैंने कहा जब तक रमजान नहीं आ रहा है जब तक लोग बुलाएंगे अब जाना ही पड़ेगा दीन के लिए जब बुलाता है जब तक हिम्मत है आप दुआ करें अल्लाह का दीन इस तरह तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए या आला हज़रत ने कहा नहीं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दरूद हमारा तो यही मकसद है मस्जिद आबाद हो जाए मदरसे आबाद हो जाए सब मुसलमान आबाद हो जाए अल्लाह मेरी आप सबकी दुआ को कबूल फरमाए वक्त बहुत हो गया अल्लाह आप सबकी खिदमत को कबूल फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन।